118 दिन दिखेगा देवगुरु बृहस्पति का पूरा जलवा। 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति चलेंगे वक्री चाल। कुछ राशियों की सोने की तरह चमक जाएगी किस्मत। देवगुरु बृहस्पति इन राशियों की जिंदगी में लिखेंगे सफलता की नई कहानी। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। 118 दिन देवगुरु बृहस्पति का पूरा जलवा देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति दोनों हाथों से खुशियां लुटाएंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे। शनि देव के बाद अब देवगुरु बृहस्पति भी उल्टी चाल चलेंगे, यानी वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के बाद कुछ राशियों की जिंदगी में देवगुरु बृहस्पति कमाल की सफलताओं की कहानी लिख देंगे, खुशियों के सौगात देंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति और शनि का विशेष स्थान होता है। ये दोनों ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर होता है, हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में उल्टी चाल चल रहे हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति अब 4 सितंबर से उल्टी चाल चलने वाले हैं, यानी वक्री होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति इसी साल 23 अप्रैल को अपनी मीन राशि से निकलकर अपने मित्र मंगल की मेष राशि में आए थे और तब से मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में उनका राहु के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्योंकि राहु पहले से ही मेष राशि में मौजूद हैं और इन दोनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन से गुरु चंडाल दोष बना हुआ है, जिससे देवगुरु बृहस्पति के शुभ फलों में थोड़ा कमी चल रही है। 30 अक्टूबर तक ये गुरु चंडाल दोष बना रहना है और उससे पहले 4 सितंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उल्टी चाल शुरू करने वाले हैं। आज की मेरी पोस्ट इसी विषय पर है और ज्योतिष चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत भी है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वैदिक ज्योतिष और हमारे नवग्रहों में देवगुरु का दर्जा हासिल बृहस्पति ग्रह 4 सितंबर 2023 को शाम करीब 5 बजे वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे और 31 दिसंबर 2023 को सुबह वक्री अवस्था से बाहर आएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 118 दिन देवगुरु बृहस्पति का पूरा जलवा देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति हमारे इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं। ये कैसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में तरक्की की राहें खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का कारक माना जाता है। इन्हें अध्यात्म का कारक भी माना जाता है और इन्हें दार्शनिक का दर्जा भी दिया गया है। देवगुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्मिक ज्ञान और हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं और जिस व्यक्ति पर ये प्रसन्न होते हैं उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती, समाज में खूब यश और मान मिलता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर और देवगुरु बृहस्पति की चाल हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारी खुशियों को, हमारी उमंगों को प्रभावित करती है, हमारे कैरियर को प्रभावित करती है, हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, हमारे सोशल स्टेटस को प्रभावित करती है। देवगुरु बृहस्पति जब भी गोचर करते हैं तो कई राशियों के बंद पड़े भाग्य के कपाट खुलते चले जाते हैं, तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। बृहस्पति ग्रह समय समय पर अस्त भी होते हैं, उदय भी होते हैं, वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं। कुंडली में उनकी स्थिति को देखते हुए कुछ लोग मालामाल हो जाते हैं, कुछ को नुकसान भी उठाना पड़ता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धनु राशि और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशियां हैं। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, मकर राशि इनकी नीच राशि है। अब 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल चलते हुए जिन राशियों की किस्मत चमकाने वाले हैं उनकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से सबसे लाभान्वित होने वाली जो राशियां हैं उनमें पहली राशि मेष राशि है। इस राशि में देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव को हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के लग्न भाव में वक्री होने वाले हैं, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। बृहस्पति का वक्री होना मेष राशि के जातकों के जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेष राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। मेष राशि के लोग अपने कैरियर में एक नई उड़ान भर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का मौका मिल सकता है और विदेश में स्थायी रूप से रहने का मौका भी मिल सकता है। आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे, कैरियर और कारोबार में आपको अच्छा लाभ होगा, सेविंग करने में भी आप कामयाब रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति पहले की बनिस्बत बेहतर होती जाएगी।
मेष राशि के जातकों को कैरियर में पदोन्नति और सहकर्मियों और अपने जो सीनियर्स हैं उनकी सराहना मिल सकती है। व्यवसाय करने वाले जो मेष राशि के लोग हैं उनको काफी लाभ हो सकता है। अगर आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय बहुत शुभ रहने वाला है। इसके साथ ही समाज में आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दूसरी भाग्यशाली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सातवें और दसवें भाव के स्वामी होते हैं। सातवां भाव होता है दाम्पत्य स्थान और पार्टनरशिप का भाव, और दसवां भाव होता है पिता और राज दरबार। और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि की कुंडली के इनकम स्थान में वक्री होने जा रहे हैं, इसलिए आपकी इनकम बढ़ने की पूरी संभावना है। कार्यक्षेत्र में भी आपका मान सम्मान और दबदबा बढ़ेगा। अचानक से आपको धन लाभ होगा। आप अपने जीवन में कुछ लग्जरी चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का उल्टी चाल चलना किसी वरदान से कम नहीं है। इस दौरान आप कोई नई प्रॉपर्टी की खरीदारी भी कर सकते हैं। आपको पेरेंटल संपत्ति भी हासिल हो सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं, नई नौकरी की तलाश में हैं, उनकी तलाश पूरी हो सकती है। बिजनेस की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना काफी शुभ फल लेकर आने वाला है। पैसा अगर कहीं रुका हुआ है तो वापस मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से लाभान्वित होने वाली जिस तीसरी राशि का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो चंद्रमा की कर्क राशि है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में दशम भाव में वक्री हो रहे हैं, जिसे पिता और राज दरबार स्थान कहा जाता है। इसलिए कर्क राशि के लोगों के कैरियर में पद प्रतिष्ठा में काफी लाभ होगा। मेहनत करने वालों को खूब सराहना मिल सकती है। बिजनेस में लाभ के संकेत आ रहे हैं। लव लाइफ पहले से बेहतर होगी। लंबे समय से अटके हुए काम बनेंगे। घर में विवाह योग्य अगर कोई संतान है तो अच्छे रिश्ते आएंगे। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो फाइल क्लियर हो सकती है। चौथी भाग्यशाली राशि सूर्य की सिंह राशि है। बृहस्पति का वक्री होना सिंह राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। सिंह राशि वालों को धन लाभ होगा। जॉब में प्रमोशन मिलेगा। सभी चीजों के अच्छे नतीजे आएंगे। नई जॉब का ऑफर मिल सकता है जहां का पैकेज आपकी उम्मीद से दुगना हो सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। आपके लंबे समय से कोई मनोकामना अगर चली आ रही है तो पूरी होगी। किस्मत का साथ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन समय है। वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। पांचवी भाग्यशाली राशि तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए जीवन के अधूरे कार्यों को पूरा करने का यह शानदार मौका रहेगा। व्यापारियों के लिए मुनाफा कमाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके कैरियर में, प्रोफेशन में चली आ रही दिक्कतें कम होती जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल तुला राशि वालों के जीवन में खुशियां लेकर आएगी। तुला राशि वालों को जिन कामों में अभी तक असफलता मिल रही थी उसमें अब सफलता मिलने लगेगी। अगर इन्वेस्टमेंट आपने कहीं की है तो वो आपके लिए लाभ का सौदा साबित होगी। आप किसी नई जगह पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नया वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनेंगे। छठी भाग्यशाली राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना लाभ लेकर आएगा। कुंभ राशि पर साढ़े सती चल रही है। इस राशि के जातकों का कष्ट कम होगा। जॉब की खोज कर रहे लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। पैसा आएगा। वित्तीय मोर्चे पर बृहस्पति का उल्टी चाल चलना कुंभ राशि के जातकों को अधिक धन लाभ दे सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी है। मेष राशि में बृहस्पति के वक्री होने से कुंभ राशि के जातक अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान कुंभ राशि के जातक अपने कैरियर के संबंध में अधिक यात्राएं कर सकते हैं। कैरियर संबंधी बात करें तो इस दौरान आपको नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आर्थिक मामलों की बात करें तो आपको कई अलग अलग सोर्सेज से इनकम होने की संभावना है। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि मूल रूप से बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, लेकिन प्रत्येक कुंडली के लिए इनके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होकर अशुभ फल दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को गुरुवार के दिन बृहस्पति से संबंधित चीजें जैसे चने की दाल, पीले फल, गुड़, पीले वस्त्र आदि दान करने चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सफलताएं मिलेंगी और आपके यहाँ खुशियां दस्त देंगी। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।